किसानों को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कल पिपली जा रहा हूं, किसानों की जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा हूं। हुड्डा ने भी कहा कि हम आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हैं। अध्यादेश बिना सी2 फॉर्मूले वाली एमएसपी को लागू नहीं होने देंगे। एमएसपी और मंडी को खत्म करने वाले कानून का विरोध करते रहेंगे। ये जो मांग है उनकी जायज है। सरकार जो है कोरोना के बहाने में माना बनाकर किसान की आवाज दबाना चाहती है। किसान की आवाज दबा नहीं सकती, ना दबने दिया जाएगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट पालता है। ये जो 3 अध्यादेश है वो किसान के हित में नहीं है, और ये वो आढ़तियों के हित में भी नहीं है, मजदूर के हित में भी नहीं है। हाँ, अगर ये अध्यादेश लाना चाहते हो तो 4th अध्यादेश और लेके आए कि किसान को MSP मिलेगी स्वामीनाथन C2 फार्मूले पर। हाँ, अगर जो भी कंपनी या जो व्यक्ति किसान को कम MSP देगा उसके ऊपर सजा उसकी हो तो वो 4th ऑर्डिनेंस ले आए, तो बात मंजूर। ये